सत श्री अकाल जी सारे नो, आप देख रहे हो राइड विद दीप। तो आज हमारे पास है KTM की RC 200। इसका लेटेस्ट कलर एक लॉन्च हुआ है, आप देख सकते हो ब्लैक कलर है। ब्लैक और ऑरेंज की थीम है, थोड़ी बहुत ब्लैक ऑरेंज के कॉम्बिनेशन से लेटेस्ट कलर लॉन्च हुआ है और बहुत बढ़िया लग रही है लुक में बाइक। इसका शॉर्ट रिव्यू करके बताने वाला हूँ आपको कि इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, इसकी छोटी मोटी डिटेल्स क्या हैं। तो बिना किसी देरी का वीडियो करते हैं स्टार्ट, वीडियो में आप बने रहना। तो बाइक की लुक है कुछ एग्रेसिव, आप देख सकते हो इसकी लुक हमेशा से एग्रेसिव ही होती है, इसी टाइप की आती है स्पोर्टी लुक। स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट सेशन से। फ्रंट में अगर आप देखेंगे आपको वाइज़र देखने को मिल जाता है इस टाइप से, और वाइज़र के ऊपर मिरर माउंट हो रखे हैं, आप देख सकते हो दो मिरर माउंट हो रखे हैं, बेसिकली फोल्डेबल मिरर है। आप इसे खोल भी सकते हो इस टाइप से और इसको फोल्ड भी कर सकते हो। फोल्ड करके इसकी लुक ज़्यादा बेटर आ रही है मुझे ऐसा लग रहा है। इसके नीचे आज अगर हम तो इसमें LED लाइट देखने को मिल जाती है, उसके नीचे आपका नंबर प्लेट ब्रैकेट है। नंबर प्लेट ब्रैकेट के अगर थोड़ा सा नीचे और आ जाए तो फाइबर का पार्ट आपको देखने को मिल जाता है, मडगार्ड है, फाइबर है। बट इसकी लुक देखो यार, बाकी बाइकों से बहुत डिफरेंट है। कितना प्यारा मडगार्ड, आपने कभी देखा ऐसा? कितना प्यारा मडगार्ड देखने को मिल जाता है। उसके सस्पेंशन की बात करें, फ्रंट सस्पेंशन WP एपेक्स ब्रांड के मिल जाते हैं देखने को। अपसाइड डाउन सस्पेंशन हैं WP ब्रांड के, और आपको दोनों साइड रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं। तो आगे की लुक इसकी बहुत प्यारी है। अगर आप देखो ये पार्ट आपको फाइबर का देखने को मिल जाता है, कवर है पूरा का पूरा, जिस टाइप से R15 का लुक है कुछ उस टाइप से लुक है सेम इसका। और इसमें कितनी प्यारी देखो थीम दे रखी है, RC 200 रेडी टू रेस वगैरह, मतलब जो स्पोर्ट्स बाइक में पूरा फील देती है ये पूरा पूरा स्पोर्ट्स बाइक में। नॉर्मली जो महंगी बाइकें आती हैं स्पोर्ट्स बाइक, उसमें भी इस टाइप की बैचिंग होती है, तो पूरा फील आपको स्पोर्ट्स बाइक का देने वाली है। लुक इसकी बहुत एग्रेसिव है, बहुत प्यारी है। उसके नीचे अगर हम आ जाएँ तो टायर साइज़ आप देख सकते हो इसका, 110 70 और 17 इंच का टायर साइज़ है इसका। ट्यूबलेस टायर आपको अलॉय व्हील के साथ देखने को मिल जाता है। 320mm का डिस्क साइज़ देखने को मिल जाता है फ्रंट वाला, जो कि काफ़ी बड़ा है। तो इसकी डिस्क जो ब्रेक है काफ़ी अच्छी होने वाली है, और इसमें ज़रूरत भी है क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक है, इनको रुकना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो देखो इसमें कितनी प्यारी लुक दे रखी है। आगे से बात कर लेते हैं इसके मीटर सेशन की। मीटर सेशन कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है, LCD डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है और काफ़ी बड़ी है ये। इसके प्रोटेक्शन के लिए कंपनी खुद प्रोवाइड करती है कवर हल्का सा, तो कुछ इस टाइप का लुक देता है इसका LCD डिस्प्ले। इसकी की आपको दिखाता हूँ मैं, इसकी की देखो कितनी प्यारी दे रखी है, KTM ब्रांडिंग हो रखी है इसके ऊपर, और सिंपल सी छोटी सी की है इसकी, क्यूट सी। तो अगर हम इसको इंसर्ट करके अगर आपको मीटर दिखाऊं इसका, तो इसको ऑन करने के बाद सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मीटर में देखने को मिल जाती है। रीडिंग डिस्प्ले काफ़ी बड़ी है, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। यहाँ पे आपको इंजन लाइट देखने को मिल जाती है, ABS लाइट देखने को मिल जाती है, उसके साथ आपको गियर की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ही है। बाकी पूरा डिजिटल मीटर आपको देखने को मिल जाता है और काफ़ी बड़ा है, KTM की ब्रांडिंग के साथ देखने को मिल जाता है। तो ये इसका मीटर में सारी इन्फॉर्मेशन दे ही रखी है आपको ऑलरेडी। उसका हेड भी कुछ इस टाइप का है, जो कि सिर्फ हैंडल रोटेट होता है और हेड सेम रहता है अपना, जैसे स्पोर्ट बाइक में होता है बेसिकली। तो इसके स्विचेस की बात कर लेते हैं। स्विचेस में आप देखेंगे ये सेम लाइट का स्विच है जैसे होता है, इंडिकेटर स्विच दे रखे हैं। क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है इनकी देखने में। हॉर्न की साउंड भी काफ़ी अच्छी है इसकी, जो नॉमिनल होनी चाहिए। इसमें इंजन कूल स्विच मिल जाता है आपको नीचे, ये पे सेल्फ का स्विच मिल जाता है आपको। तो काफ़ी कुछ इसमें देखने को मिल जाता है और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है। आप जानते हैं सारे के सारे KTM की जो है बेसिकली क्वालिटी है काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर देती है हमें ये। तो बात कर लेते हैं इसकी टैंक कैपेसिटी की। 13.7 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी दे रखी है, KTM की ब्रांडिंग देखो आपको दे रखी है यहाँ पर भी। और ये मेटल का पार्ट है, ये अच्छी बात है, बाकी ये फाइबर है बाकी बॉडी का पार्ट सारा, बट ये मेटल दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। 13.7 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। 835mm की इसकी सीट हाइट है, जो कि अच्छी है काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, काफ़ी अच्छी सीट हाइट दे रखी है। और अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए तो देखो इसकी चेसी आपको दो पार्ट्स में देखने को मिल जाती है, ये थोड़ा नया फीचर है समझ लो आप, क्योंकि जो नॉर्मली चेसी होती है सिंगल चेसी आती है, बट इसमें दो पार्ट में चेसी आपको देखने को मिल जाती है, मतलब यहाँ से अलग पार्ट है इसका, यहाँ से अलग है। अगर आपका पीछे वाला पार्ट मान लो एक्सीडेंटल हो जाता है और ख़राब हो जाता है, तो आप सिर्फ पीछे वाला चेंज करके इसका काम चला सकते हैं इस टाइप से भी। और थोड़ा नीचे आ जाए देखो, फुट पैक्स इसके बहुत अच्छे से दे रखे हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है बिल्ड इसकी। और ये देखो यहाँ पे जो ब्रेक का लीवर दे रखा है, ब्रेक लीवर कुछ इस टाइप का, और अगर गिरती है इनकेस तो देखो ये फोल्डेबल है, ये फोल्ड होते हैं मतलब टूटेगा नहीं, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ दे रखी है इसके अंदर आपको। और इधर आ जाएँ तो फुट पैक पिछले वाले भी सेम ही है, और सीट भी स्प्लिट सीट दे रखी है आगे पीछे, और यहाँ पे स्प्लिट सीट को पीछे वाली सीट को खोलने का यहाँ पे है, आप इसको कीक डाल के इसको ओपन कर सकते हैं। इसका कलर थीम इसकी बहुत प्यारी दे रखी है, आगे से लेके पीछे दे सकते हैं आप इसको, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है बेसिकली बाइक के कलर, जो इसमें कलर कॉम्बिनेशन दे रखा है इसके अंदर। अब बात करते हैं इसके रियर सेशन की। पीछे इसकी टेल लाइट देखने को मिल जाती है LED वाली, LED इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, ग्रैब रेल देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर है, आप इसे ग्रैब करके कंट्रोल कर सकते हैं बाइक को।
उसके नीचे आ जाए अगर हमें टेल टाइडी देखने मिल जाती है, आफ्टर मार्केट हम टेल टाइडी ऐसे लगवाते हैं बट कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है जो कि बेटर है। और टायर अगर देखो कितना ब्रॉड है इसका, इसकी वजह यही है क्योंकि उसका टायर 150 साइज़ इसका दे रखा है, टायर ऑलरेडी बहुत ब्रॉड है ताकि वो ग्रिपिंग बहुत अच्छी मिलती है इस बाइक में, बेनिफिट है एक तरह से। तो टायर अगर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का देखने को मिल जाता है, देखो फाइबर पार्ट है ये, बट ये मुड़ नहीं रहा है, काफ़ी सॉलिड है। तो अगर इधर देखा जाए तो इसके 230 mm का इसका डिस्क साइज रियर देखने को मिल जाता है आपको। टायर साइज़ की बात करें तो 150 60 17, 150 60 17 इंच का टायर साइज़ देखने को मिल जाता है। MRF के टायर हैं आगे पीछे दोनों साइड। और टायर का साइज़ देखो भाई, 150 इसकी ब्रॉडनेस है, काफ़ी ब्रॉड साइज़ है जिसकी वजह से ग्रिपिंग बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है, मतलब बाइक का कंट्रोल रोड पर काफ़ी अच्छा रहने वाला है अगर आप देखा जाए तो। रियर सस्पेंशन की बात करें इसके तो WP एपेक्स का आपका मोनोशॉक 10 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी बेटर है। इसके जो यहाँ पे रियर फुटरेस दे रखे हैं वो भी देख सकते हैं, कवरिंग दे रखी है ताकि छीटे इस पर ना आए, ये भी सेफ्टी के लिए दे रखा है। तो काफ़ी अच्छा पैकेज दे रखा है गाड़ी के अंदर, और थीम में कोई कमी नहीं है, ब्रांडिंग में कोई कमी नहीं छोड़ रखी, डिटेलिंग में काम किया गया, रेडी टू रेस वगैरह, मतलब हर जगह काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। इस साइड अगर आपको दिखाऊँ मैं, इस साइड आपको सारी गार्ड देखने को मिल जाता है और काफ़ी बेटर है। आप देखो यार इसकी लुक कितनी प्यारी दे रखी है, और 156 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। इंजन की बात करें तो सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल DOSE इंजन देखने को मिल जाता है। इसकी रेडिएटर लिक्विड कूल इंजन है, रेडिएटर्स की प्लेसमेंट यहाँ पे दे रखी है, आप देख सकते हैं कूलर डलता है इस साइड से, जो कि 25 PS की पावर जनरेट करता है, 19.2 Nm का टॉक जनरेट करता है। तो इंजन वाइज भी काफ़ी अच्छी, पिकअप वाइज की परफॉर्मेंस बहुत बेटर रहने वाली है। कर्व वेट की बात करें तो 160 kg का कर्व वेट है जो कि ठीक ठाक है। तो ये इसका कुछ छोटा सा ओवरव्यू था, बात करते हैं इसके प्राइस लिस्ट के बारे में। तो एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो इसका 214,600 something का इसका एक्स शोरूम प्राइस है, 215,000 आप मान सकते हो। और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 252,000, 252,000 इसको ऑन रोड दिल्ली में पड़ने वाला है, बाकी सिटी टू सिटी वेरी करता है। तो अब आपको सुनाते हैं इसकी साउंड। और इसका एग्जॉस्ट देख लो, एग्जॉस्ट कितना प्यारा दे रखा है, मतलब एग्जॉस्ट बाहर है ही नहीं, बिल्कुल न्यूट दे रखी है एग्जॉस्ट के मामले में, अंदर ही एग्जॉस्ट दे रखा है छोटा सा। तो इसको स्टार्ट करके साउंड सुनाते हैं, जैसे हम इसको की को ऑन करते हैं, यहाँ से इसका किल स्विच ऑन करते हैं, अगर हम इसको सेल्फ लें तो आप इसकी साउंड सुन सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छी साउंड दे रखी है। सुनो जरा इसकी साउंड, मैं थ्रॉटल करके आपको दिखाता हूँ एक बार। तो भाई बहुत प्यारी साउंड है, सॉफ्ट साउंड है, कोई बहुत इरिटेटिंग करने वाली साउंड नहीं है, स्पोर्ट्स बाइक की होती है। इसको रेस करके और अच्छी साउंड आ जाती है इसमें से। तो ये था इसका छोटा सा ओवरव्यू, होप्स आपको वीडियो लगी होगी अच्छी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मैं आपके लिए छोटी छोटी ऐसे नई नई वीडियो लाता रहता हूँ। आपको अगर और चाहिए किसी और पे, किसी और का रिव्यू करना है या कोई और डिमांड एक्सेसरीज़ की, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा आपके लिए। तो मिलते हैं इस नई वीडियो में, ओके बाय।